अग्निपथ योजना के छलावे से युवाओं के भविष्य व देश की सुरक्षा को खतरा बताते केंद्र के खिलाफ सत्याग्रह करने विधायक के नेतृत्व में कांग्रेस ने बनाई रणनीति, जिसके चलते छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस द्वारा भी विधानसभा स्तरीय एक दिवसीय शांतिपूर्ण सत्याग्रह का किया जाएगा आयोजन। केंद्र की मोदी सरकार द्वारा लगाई गई सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना का राष्ट्रव्यापी विरोध लगातार जारी है। युवाओं के विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन देने छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस द्वारा भी विधानसभा स्तरीय एक दिवसीय शांतिपूर्ण सत्याग्रह का आयोजन 27 जून को किया जा रहा है। इस अवसर पर दुर्ग के राजीव भवन में दुर्ग के प्रभारी बनाए गए वरिष्ठ विधायक अरुण वोरा ने कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ सत्याग्रह की रणनीति पर विचार विमर्श कर उनमें जोश भरा। उन्होंने केंद्र की योजना को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अग्निपथ योजना के बहाने सेना का राजनीतिकरण करना चाहती है। देश में कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने अपनी दूरदर्शिता, बड़े फैसलों एवं देशवासियों के कड़े परिश्रम से जितनी भी सरकारी संपत्तियां देश को समर्पित की गई हैं, उसे बेचने के साथ ही अब भाजपा सरकार देश की अस्मिता को भी बेचने चली है। विधायक अरुण वोरा ने कहा है कि यह योजना में 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिक भर्ती करके ये न सिर्फ देश के युवाओं की भावनाओं से खिलवाड़ करना चाहते हैं, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है। उन्होंने आगे कहा कि नोटबंदी हो या रातों रात लागू की गई GST हो, कोरोना महामारी का दौर हो या फिर अचानक लगाया गया लॉकडाउन, हर बार हमारे नेता राहुल गांधी जी ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी, किंतु उन्होंने सत्ता के घमंड में देश को नुकसान पहुंचाया। अग्निवीरों के भविष्य को लेकर भी राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए, जिसका सरकार के पास अब तक कोई जवाब नहीं है। अग्निपथ योजना के विरोध में भी कांग्रेस देश के युवकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। देश की सुरक्षा एवं युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के निर्देशानुसार समस्त पदाधिकारियों को पूरी ऊर्जा से देश के युवाओं के भविष्य के लिए सत्याग्रह करने का संदेश दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।